आज का जो मेरा सपना है कि मैं उनका दादी दादू का सपना है जो पूरा करना चाहता हूँ कि ये लंगर ना हफ्ते महीने के 30 के 30 दिन चले और वो भी फ्री। आई रिटायर प्रिंसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके सर, ओके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने गरीबों के लिए इस वक्त इस मौसम में इतनी कठिनाई से जो लंगर तैयार किया है, भगवान आपको इसे और ज्यादा चढ़ती कला आपको दे। और लोगों को भी हम यही कहेंगे, लोगों को भी हम यही इनवाइट करते हैं कि जब भी भूख लगे आपको ये जगह बोलनी नहीं है और जहां आके अपना आपको लंगर इस्तेमाल करना है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो यहाँ पे कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं जहाँ पे आते हैं लंगर खाने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। पूनम। नाम बताओ। पूनम। पूनम, पूनम कब से आ रहे हो यहाँ पे आप? हम लोग तो यहाँ पे साल भर हो गए। अच्छा अच्छा, तो खाना वगैरह बढ़िया मिलता है आपको यहाँ पे? हाँ जी हाँ, अच्छा बनता है खाना। तो क्या कहना चाहते हो, और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, सेवा करें यहाँ पे? सेवा करो आप, और भी जुड़ेंगे। हाँ बढ़िया, चलिए आप खाना खाइए, बाकी लोगों से भी। पीछे भीड़ देख सकते हो, रश देख सकते हो कितना है यहाँ पे। और मेघना भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेघना को भी टेस्ट करवाएंगे यहाँ का लंगर और बताते हैं मेघना कि कैसा खाना है यहाँ पे। लोकेशन की बात करें तो ये पड़ती है महाजना दी हट्टी, देख सकते हो छन्नी में आइए, सेक्टर 3 में। तो हर ट्यूसडे को यहाँ पे लंगर लगाया जाता है 12:30 बजे से लेके। तो आप भी इस लंगर में इनके साथ जुड़ सकते हो अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो। देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे खाना खाते हैं डेली। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। आज जो इन्होंने बनाया है यहाँ पे, क्या सर्व हो रहा है चेक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो चावल हैं और साथ में इन्होंने राजमा बनाया, तो कंटिन्यूस सर्विंग यहाँ चल रही है। तो अभी हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने ये लंगर यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, और जानते हैं कि कैसे आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो और क्या रहता है इसका थीम वगैरह। सो अंकुश जी नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। पहले तो बताइए थोड़ा लंगर के बारे में, कब से स्टार्ट है ये और क्या रहता सर, है और ये हमने मार्च से शुरू किया हुआ है। एवरी ट्यूसडे हमारा लंगर रहता है, ठीक है, हर मंगलवार को। ये मैंने अपने दादू दादी के नाम पे शुरू किया, मेरी दादी की बहुत इच्छा थी तो इनके नाम पे मैंने हर मंगलवार शुरू किया है, ठीक है। हर मंगलवार 300-350 बंदा यहाँ पे आके इस लंगर का लुत्फ उठाता है। हर बार अलग अलग आइटम सर्व किए, हर बार अलग अलग, बस मोस्टली ज्यादा जैसे लोग पसंद करते हैं हम ज्यादा वही लगाते हैं जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। कभी पूड़ी छोले, कभी कुछ, कभी कुछ, जस्ट बिकॉज कि मैं अब हर ट्यूसडे करता हूँ तो इसलिए मेरे को जैसा मेरा बजट भी इशू करेगा जितना मेरा बजट रहता है, इसलिए मैं ये लोगों को चाहता हूँ कि लोग जुड़े मेरे साथ। ज्यादा कुछ नहीं, अगर मेरे साथ कुछ 30 बंदे भी जुड़ते हैं ना तो ये लंगर और एक एवरेज कॉस्टिंग जो बता रहा हूँ 5,000 लगता है लंगर को, बेसिक कॉस्ट, ठीक है, जिसमें 300-350 बंदा खा सकता है मजे से। अगर मेरे साथ 30 बंदा भी जुड़ता है अगर आज, तो ये लंगर मेरा एक आज का जो मेरा सपना है कि मैं उनका दादी दादू का सपना है जो पूरा करना चाहता हूँ कि ये लंगर ना हफ्ते महीने के 30 के 30 दिन चले और वो भी फ्री, ठीक है। और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं सर? महाजन फाउंडेशन मेरा पेज है, आप इंस्टाग्राम पे महाजन फाउंडेशन पेज आप फॉलो कर सकते हैं, आराम से आपको वहां लग जाएगा। वहां पे लिंक भी है, कुछ लोग आ सकते हैं तो यहाँ पे आके भी कर सकते हैं अपना। कुछ लोग, कितने लोगों का मन करता है दान पुण्य करने का बट लोग कर नहीं पाते, जब उनका मन चाहे कभी भी, हर मंगलवार, अभी तो हर मंगलवार है, अगर लोगों का साथ रहा तो ये एक दिन जरूर रोज चलेगा लंगर। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी बता दो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9878845458, आप मुझे इसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। और अगर कहीं लंगर के लिए सामान भी आपको चाहिए हो तो हम लंगर के लिए सामान भी बना के दे देते हैं, ठीक है, बढ़िया। जैसे आपने कहीं और दान कहीं मंदिर में करना हो, कुछ करना हो, आप यहाँ से भी लंगर का सामान लेके जा सकते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे लोग देखिए, यहाँ पे लोग खत्म नहीं होते, यहाँ पे इतने लोग खाने पीने के, और रेस्ट तो आप देख ही सकते हैं। चलिए हम भी ट्राई करते हैं थोड़ा सा यहाँ का खाना और आपको फिर बताते हैं। आओ बैठो, सबको बिठाओ, सबको खिलाएंगे। वहाँ पे लंगर का खाना लेते हुए मेघना देख सकते हैं राजमा चावल आ चुके हैं, बाकी वो टेस्ट करके बताएंगे। भाई तुम लोग सारे पीछे लाइन देख लो, और अभी मैं यहाँ पे राजमा चावल टेस्ट करने लगी हूँ, अच्छे हैं। तो फाइनली हमारे पास भी लंगर का प्रसाद यहाँ पे आ चुका है, खाते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार सर्व किया जाता है। और लाइन देखो पीछे कितनी बढ़िया रहते हैं, मतलब काफी लोग खा रहे हैं तो एक खुशी होती है कि हाँ चलो यहाँ पे जब भी सर्व किया जाता है काफी सारे लोगों को खिलाने में, बोलते हैं ना कि मजा आता है, वो है संतुष्टि मिलती है। तो अगर आप भी डोनेट करना चाहते हो कर सकते हो डेफिनेटली। चलिए अब टेस्ट भी बता देते हैं और क्वालिटी बता देते हैं लंगर में किस प्रकार खाना सर्व किया जाता है। ये देखिए हमारी बाइट आ चुकी है, राजमा चावल और अचार यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। खाना तो डिसेंट बोल सकते हैं हम इसको, खाने को ज्यादा कोई मसाले वगैरह नहीं है, हल्की हल्की मिर्ची है और बिल्कुल जैसे घर जैसा होता है ना वैसा है ये खाना। तो डेफिनेटली जुड़ना चाहते हो लंगर के साथ जुड़ना एक अच्छा काज है। और जम्मू कैसे और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहना शिवा सोल ब्लॉग्स को।